एक बार फिर अबू सालेम और मोनिका बेदी की प्रेम कहानी पर बनने जा रही है एक फिल्म। एक बार फिर गैंगस्टर के बाद अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन को खोजने निकला है कोई। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि ये काम करने वाले फिल्म मेकर कोई और नहीं बल्कि है कमाल आर खान। और बात हो रही है देशद्रोही 2 की, जिसकी कहानी होगी मोनिका बेदी और अबू सालेम की लाइफ से जुड़ी हुई। जी हाँ, कमाल के कारनामे उनकी फिल्म देशद्रोही से ही मशहूर हो गए थे जब उन्होंने मुंबई में नॉर्थ इंडियंस पर हुए अटैक्स को अपनी फिल्म का इम्पोर्टेंट पार्ट एंड प्लॉट बनाया था। और उसके बाद बिग बॉस के एक सीजन में भी कमाल अपने कारनामों का कमाल दिखा चुके हैं। फिर उसी सीजन में मोनिका बेदी भी बिग बॉस कंटेस्टेंट थी। ऐसे में अगर अब की बार कमाल अबू सालेम और मोनिका बेदी की कहानी को लेकर एक बार फिर अपनी फिल्म का हिस्सा बना ले तो ज्यादा ताजुब नहीं होना चाहिए। बस सरप्राइजिंग बात तो ये होगी कि देशद्रोही 2 में अबू सालेम का रोल कौन निभाता है, क्योंकि कमाल अपनी फिल्म के खुद ही हीरो बनते हैं। ऐसे में क्या वो खुद ही प्ले करेंगे अबू सालेम का रोल? For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai.